तो हाय गाइस, मैं सुरेश और आप देख रहे हैं सुरेश एडिटिंग जून चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, चैनल पर नया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए गाइस, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, मैंने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लूँ और अपने बैकग्राउंड को भी ऐड कर लूँ, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ से मैं जाना होगा टूल्स में एंड यहाँ से रिसाइज। तो गाइस, मेरे ख्याल से 30 की रिसाइज ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, मैं जाना होगा ड्रॉ टूल में, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड यहाँ से गाइस, मैं जाना होगा ऐड पर में और अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, मैंने मॉडल को बैकग्राउंड को पहले से इरेज करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो उस वीडियो के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइस, मैं ऐड पर में क्लिक करता हूँ और अपने मॉडल को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, हमारा मॉडल ऐड हो चुका है, तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। डन करने के बाद गाइस, हम इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कुछ अपने अकॉर्डिंग इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ इसको इतना बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लूँगा एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको रख लूँगा, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ से हमें इस लेयर वाले पैनल में हमें क्लिक करना है एंड इसका हमें डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थ्री डॉट में जाऊँगा एंड यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। एंड एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से। एंड इस लेयर को मैं नीचे लेकर आऊँगा एंड इसमें हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ एंड यहाँ से ब्लैक कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लूँगा और फिर से हमें इस लेयर मतलब मॉडल वाले लेयर में हमें क्लिक करना है एंड यहाँ से इसमें क्लिक करना है गाइस, ठीक है। एंड इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि हमारा शेडो क्रिएट हो चुका है, तो इसको मैं थ्री डॉट में जाकर इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस लेयर को मैं नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से थ्री डॉट में जाऊँगा एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, ठीक है इसे। तो यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं दोनों फिंगर से इसको कुछ इस तरीके से रख लूँगा, ठीक है। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ इसको इस तरीके से रख लेता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसकी ओपासिटी को हम थोड़ा सा कर लेंगे माइनस, ठीक है। तो कुछ इतना माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, तो इतना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। एंड यहाँ से हमें जाना होगा इरेजर में, ठीक है। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड यहाँ से इसकी हार्डनेस को मैं जीरो पर रख लूँगा, ठीक है। एंड इसकी साइज मतलब इसकी साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा इतना कुछ इतना एंड इसकी साइज को फिर से बड़ा कर लूँगा एंड यहाँ से इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इतना करने के बाद गाइस, समझाना होगा फिर से लेयर वाले पैनल में, ठीक है। एंड यहाँ से एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। एंड एक पीएनजी को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ऐड फोटो में क्लिक करके। तो गाइस, हमारे पीएनजी ऐड हो चुका है, तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ एंड इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इतना एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस लेयर को मैं गाइस, मैं इस लेयर के नीचे लेकर आऊँगा, ठीक है, अपने मॉडल के लेयर के नीचे लेकर आऊँगा एंड यहाँ से इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ से मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ थ्री डॉट में जाकर, यहाँ से इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। एंड देखिए गाइस, हमारा पिक हो गया रेडी। एंड इस पिक को मैं सेव कर लेता हूँ, तो सेव करने के लिए गाइस समझाना होगा इस थ्री डॉट में। एंड गाइस, यहाँ पर लिखा है सेव टू डेस्क, तो सेव टू डेस्क कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया हूँ एंड यहाँ से गाइस समझाना होगा ऐड फोटो में और अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें वेट करना होगा एंड यहाँ से हमारा मॉडल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से हमारा मॉडल इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ से ऑल फोटोज में हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अपने मॉडल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से गाइस समझाना होगा लाइट वाला टूल में एंड इसमें हम ब्लैक को माइनस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एंड वाइट को हम प्लस करेंगे कुछ इतना एंड शैडो को थोड़ा सा हम प्लस करेंगे एंड हाईलाइट को माइनस करेंगे एंड इसमें हम माइनस करेंगे ब्राइटनेस को थोड़ा सा कुछ इतना
एंड इसमें हमें कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद ये समझ आना होगा कलर वाला टूल में, एंड इसमें हम वाइब्रेंस को प्लस कर लेंगे एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा कर लेंगे माइनस। उसके बाद ये समझ आना होगा मिक्स टूल, एंड इस मिक्स टूल में आ जाने के बाद इसमें हमें बढ़ा लेना है सेचुरेशन को थोड़ा सा, एंड ही को थोड़ा सा करेंगे माइनस, एंड इस कलर में जाना है, ठीक है। एंड इसमें हमें लिमिनस को प्लस कर लेना है, ठीक है। एंड सेचुरेशन को माइनस करेंगे कुछ अपने हिसाब से इतना, एंड यहाँ से समझ आना होगा एक्वा कलर में, ठीक है। एंड यहाँ से हम बढ़ा लेना है सेचुरेशन को, एंड ही को भी बढ़ा लेंगे गाइस कुछ इतना, ठीक है। एंड लिमिनस को भी, एंड यहाँ से समझ आना होगा ब्लू कलर में, एंड इसमें हम बढ़ा लेना है सेचुरेशन को एंड लिमिनस को भी, ठीक है, कुछ इतना। एंड ह्यू को इस कुछ ह्यू को मैं अपने हिसाब से इतना रख लेता हूँ, एंड लिमिनस को थोड़ा सा और बढ़ा लूँगा इतना, एंड इस कलर में जाना, ठीक है। एंड इसमें थोड़ा सा कर लेंगे माइनस सेचुरेशन को, एंड लिमिनस को प्लस कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। एंड ह्यू को थोड़ा सा कर लेंगे माइनस, एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। एंड ये समझाना होगा इफेक्ट वाला टूल में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ, एंड इसमें हम प्लस करेंगे टेक्सचर को एंड क्लियरिटी को भी, एंड विलियन को थोड़ा सा करेंगे माइनस थोड़ा सा, एंड फैदर को हम प्लस करेंगे कुछ इतना, ठीक है। एंड में पेंट को भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। एंड ये समझाना होगा इस ट्राइंगल वाले आइकन में, एंड इसमें हम बढ़ा लेंगे शार्पनिंग को, ठीक है, एंड मास्किंग एंड नोज रिडक्शन, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस हमारा पिक हो गया एडिट, और एडिट होने के बाद कितना ऑसम दिख रहा है। तो गाइस इस पिक को सेव करने के लिए हमें जाना होगा इस शेयर बटन में, एंड यहाँ पर लिखा है सेव टू ड्रेस, तो सेव टू ड्रेस कर लेता हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे।